स्टडी। सो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 10 लाइन शॉर्ट एसे ऑन रामनवमी। रामनवमी के त्योहार पर 10 लाइन का ये छोटा सा एसे मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी दोस्तों। इसमें मैं 10 लाइन आपको रामनवमी के बारे में बताऊंगी दोस्तों कि यह क्यों मनाया जाता है और किस तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रामनवमी इज द रिलीजियस फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ हिंदू रिलीजन। रामनवमी यह एक धार्मिक त्योहार है जो हिंदू धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। राम धर्म नवमी इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया विद डिवोशन एंड ऑब्जर्व द बर्थडे ऑफ लॉर्ड रामा। रामनवमी को त्योहार को पूरी दुनिया इंडिया भर में मनाया जाता है बहुत पूरी भक्ति के साथ, क्योंकि इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। लॉर्ड रामा वॉज द सन ऑफ किंग दशरथ एंड क्वीन कौशल्या ऑफ अयोध्या किंगडम। जो भगवान राम थे वह राजा दशरथ और क्वीन यानी कि रानी कौशल्या के बेटे थे, जो कि अयोध्या में राज्य करते थे। इन वैष्णविज्म द लॉर्ड रामा इज ऑल्सो नोन एज द सेवंथ इनकरनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इनके धर्म में यह माना जाता है कि जो लॉर्ड रामा है वह 7वें अवतार है भगवान विष्णु के। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर रामनवमी फॉल्स ऑन द 9th डे ऑफ चैत्र मंथ। यानी कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के चैत्र माह के 9वें दिन पर रामनवमी को मनाया जाता है दोस्तों। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 9th एंड द लास्ट डे ऑफ चैत्र नवरात्रि एवरी ईयर। हर साल यह नवरात्रि के चैत्र के लास्ट दिन और नवरात्रि के लास्ट दिन पर मनाया जाता है। दिस ईयर रामनवमी इज गोइंग टू फॉल्स ऑन 30th मार्च 2023। इस साल 2023 में 30 मार्च को रामनवमी का यह त्योहार बनाया जाएगा दोस्तों। पीपल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड क्लीन देयर हाउसेज एंड वर्शिप प्लेस। लोग इस दिन क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और अपने घर के और पूजा स्थल को और घर को बहुत अच्छे से साफ करते हैं। पीपल पुट अप एन आइडल ऑफ इन्फेंट रामा, राम सीता और राम दरबार फॉर वर्शिप। लोग क्या करते हैं, अपने घर के मंदिरों में बाल राम को रखते हैं, मतलब राम जी की छोटी सी मतलब छोटे से बाल राम की मूर्ति रखते हैं या फिर सीता और राम की मूर्ति रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ऑल द डेवोटीज ऑफ गो टू आइदर राम और हनुमान टेम्पल एंड चंत जय श्री राम विद रिस्पेक्ट टू द लॉर्ड। लोग क्या करते हैं, इस दिन जो सारे भक्तजन हैं वो राम मंदिर जाते हैं या फिर हनुमान मंदिर जाते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हुए जाते हैं और अपने भगवान की प्रार्थना करते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ ये 10 लाइन का छोटा सा ऐसे यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग जुड़े रहिए पंडोली स्टडीज के यूट्यूब चैनल के साथ ऐसी वीडियोस के लिए। इन छोटे से छोटे वीडियोस में मैं आप सभी को आने वाले तमाम त्योहारों के बारे में जानकारियां देती रहूंगी। तो जुड़े रहिए पंडोली स्टडीज के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पंडोली स्टडीज एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।